हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक ये 2005 के एग्जाम में से लिया गया क्वेश्चन है मार्क का तो स्टेटमेंट देखते हैं पहले तो ट्रू ऑप्शन ए है एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑप्शन बी है एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई ऑप्शन सी है एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ एक्स वाई जेड इजेंडेंट ओके तो सबसे पहले तो इसकी आउटपुट निकालते हैं क्या होगी अब आप देख सकते हो सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है सो लेट्स एनालाइज दिस गेट फर्स्ट इसकी एक इनपुट है वाई दूसरी इनपुट है जेड और यह है एंड गेट यानी कि वाई एंड जेड ये है नैंड गेट इसकी एक इनपुट है एक्स दूसरी इनपुट है इनवर्टेड वाई ओके एक्स इनवर्टेड वाई और ये है नैंड गेट हमने इन दोनों का एंड कर दिया है नैंड करने के लिए जस्ट कॉम्प्लीमेंट एट वंस ओके तो यहां पे ये आउटपुट मिल रही है और यहां पे मिल रही है नाउ लेट्स सॉल्व दिस दिस थर्ड गेट गेट वन इज नैंड करने के लिए किसी भी दो इनपुट्स का नैंड लेने के लिए सबसे पहले उनका एंड परफॉर्म करो यानी कि एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट एंड वाई जेड ओके हमने नैंड परफॉर्म करना था अभी तक हमने एंड परफॉर्म कर दिया अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो ये नैंड हो जाएगा okay? This is the final output. अब इसे simplify करते हैं। देखो, यहां पे अगर Morgan's law apply कर दो, तो आपको ये मिलेगा ये कैसे आया हमने इस sign को चेंज कर दिया और इस कॉम्प्लीमेंट को दोनों साइड पे स्प्लिट कर दिया अब एक्स वाई बार का डबल कॉम्प्लीमेंट है डबल कॉम्प्लीमेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि दो बार कॉम्प्लीमेंट लेने से वही वापस आ जाएगा बिकॉज़ ऑल दीज़ आर बुलियन वेरिएबल्स ओके और यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट है ओके okay? हमने ये कॉम्प्लीमेंट को दोनों साइड स्प्लिट किया था सो नेक्स्ट व्हाट कैन बी डन इज हम फिर से यहाँ पे डी मॉर्गनज लॉ अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा y बार प्लस z बार अब देखो y बार प्लस y बार x यानी कि ये है ए प्लस ए बी टाइप का ए प्लस ए बी होता है इक्वल टू ए दिस इज अब्जॉप्शन लॉ यानी कि ए प्लस ए बी में ये टर्म ए बी रिडेंडेंट है वैसे ही वाई बार प्लस वाई बार वाई में ये टर्म रिडंडेंट है तो आपका आंसर आया वाई बार प्लस जेड बार यानी कि इसकी आउटपुट है वाई बार प्लस जेड बार आप देख सकते हो आउटपुट इंडिपेंडेंट है एक्स के यानी कि x कुछ भी हो आउटपुट सिर्फ y और z पे डिपेंड करेगी सो आंसर इज ऑप्शन ए विच f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ओके okay.